अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग, इसका मतलब क्या होता है? 28 सप्ताह के पहले जब कुछ कारण से ब्लीडिंग हो रही है उसका अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग कहते हैं। ओके, इसमें कई कारण हो सकते हैं। अबॉर्शन भी पहला है, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखा अबॉर्शन के कारण क्या क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन क्या होता है। इस वीडियो में दो चीज देखेंगे, थ्रेटन्ड अबॉर्शन और इनएविटेबल अबॉर्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये 5 मार्क के लिए लिखा जाएगा। सो राइट ऑन शॉर्ट नोट्स ऑन थ्रेटन्ड अबॉर्शन एंड राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द इनएविटेबल अबॉर्शन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ नर्स किसी को अबॉर्शन हो रहा है तो आपको पहचानना पड़ेगा कैसे इसको इनएविटेबल कहते हैं क्या थ्रेटन्ड कहते हैं। अच्छा देखो, अबॉर्शन में, सभी अबॉर्शन में इसका मतलब बच्चे जिंदा रहने के चांसेस नहीं होते, बट थ्रेटन्ड अबॉर्शन जो होता है वो एक ही अबॉर्शन है जिसमें बच्चा जिंदा भी रह सकता है, मतलब अबॉर्शन भी होने का चांसेस है बट जिंदा भी होने का चांसेस है, बस इतना ही याद रखना। ओके, थ्रेटन्ड अबॉर्शन होता क्या? थ्रेट का मतलब कुछ खतरा है, कोई वार्निंग साइन दिखाई दे रहा है। वो वार्निंग साइन पहचान लिया और जान लिया, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत देखभाल कर लिया, हो सकता है बच्चा जिंदा हो। ओके, हो सकता है, इट इज नॉट परमानेंट, आई मीन कंफर्म नहीं है। ओके, सो इसमें क्या होता है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन में नंबर वन स्लाइट वेजिनल ब्लीडिंग होती है, स्लाइट मतलब बहुत ही थोड़ा, राइट। सेकेंडली जो सर्विक्स है पूरा क्लोज्ड है, पीवी करके देखेंगे सर्विक्स क्या होगा, डायलिटेशन वो बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है। और रिजल्ट क्या होगा, एस आई टोल्ड यू जो आउटकम बोलता है इसको, ठीक है। आउटकम क्या होगा इसमें, नंबर वन आउटकम है कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि बच्चा ठीक है और पानी वगैरह सब सही है, तो इसलिए इसका नंबर वन आउटकम प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है तो इसको इनेविटेबल अबॉर्शन का थ्रू बाहर बच्चा निकल के गिर जाएगा। सो अबॉर्शन तो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, बट रिकवरी पॉसिबल है जब इसका जो फीटस, देखो ये फीटस सही सलाम में है और मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ है और बच्चे का दिल धड़कन सब सही है, तो इन दैट केस थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देंगे तो ये थ्रेटन्ड अबॉर्शन में बच्चा चांसेस है जीने के लिए। सो लुक एट दिस वन, सो हमने क्या बोला था पहले, ये स्लाइट वेजिनल ब्लीडिंग नंबर वन पॉइंट है। नंबर टू है जो सर्विक्स है, ये थोड़ा से मतलब ये कूला कूला दिख रहा है, ये तो गलत है, एक्चुअली यहाँ पर वो क्लोज्ड सर्विक्स है तो चांस नहीं है बाहर वो निकलने के लिए। तो लक्षण क्या क्या है, सबसे पहले स्लाइट ब्लीडिंग होता है, एज आई टोल्ड यू स्लाइट ब्लीडिंग, उसमें ब्राउनिश डिस्चार्ज और ब्राइट रेड रहता है। ब्राइट मतलब फ्रेश ब्लीडिंग होगा, ब्राउनिश मतलब थोड़े से पुराना ब्लड होंगे, और ब्लीडिंग अपना आप बंद हो जाती है। और पेन, ओके, पेन यूजुअली मतलब पता ही नहीं चलता है, इट्स नॉट पेनलेस बोलते हैं, इसका पता नहीं चलता है दर्द का, बट हल्का फुल्का कमर दर्द भी हो सकती है, और जो लोअर अबडमन जो सामने तरह से सिंफाइसिस प्यूबिस के ऊपर, वहां पर उसको हल्का फुल्का दर्द होने लगता है, ठीक है। पेन है हमेशा, सपोज इनकेस आएगा तो वो ब्लीडिंग के बाद ही आएगा। सो यहाँ की नो कंप्लेन, पेशेंट से कोई कंप्लेन नहीं आया, वहां पर क्लॉट्स निकले मतलब खून की धक्का निकले, नहीं तो मास फ्लेशी लम्ब्स कहते हैं ना, तो जैसे फीटस होती है वो क्या होता है मास है ना, तो वो निकला ये निकला, कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं है। सो इसका मतलब है वो अंदर ही बच्चा है, सही सलामत में है, अभी तक तो कुछ प्रोडक्ट्स नहीं निकला, बस इतना ही कंफर्म होने के बाद आपको इसको डील करना है। सो पेल्विक एग्जामिनेशन इसमें बिल्कुल करना प्रेगनेंसी में मना है, बिकॉज डिलीवरी के टाइम पीवी करेंगे तो वो क्या होगा, सर्विक्स में वो इरिटेट करता है, उंगली जैसे डाल रहे हैं ना पीवी करते समय में, वो इरिटेट करेगा, अल्टीमेटली वहां से दर्द शुरू हो जाएगा, तुरंत उसको पूरा कंट्रैक्शन हो जाएगा, तो बच्चा डिलीवरी हो जाएगी। और ना तो वो मुंह भी हल्का फुल्का तो फूल जा भी जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो डिलीवरी हो जाएगी, इसीलिए पेल्विक एग्जामिनेशन मना करता है। बट बात ये, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है तो कैसे पता चलेगा उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए जब भी पीवी करता है मेक श्योर इट इज जेंटल, बहुत सॉफ्टली उसको करना चाहिए पीवी। सो उसमें क्या है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन में जो सिम स्पेकुलम है, राइट, सिम स्पेकुलम कैसे होता है, इस प्रकार की होता है, राइट, तो इसको वजन में लगा दिया तो वहां पर ब्लीडिंग मतलब बाहर आती है, और उसके थ्रू वजनल सर्विक्स का थ्रू बाहर निकल के आती है। डिजिटल एग्जामिनेशन मतलब वही पीवी करते समय में एक्सटर्नल ऑर्स, पहले हम लोगों ने पढ़ा इसमें क्लोज रहेगा, दो चीज याद रखना बस थ्रेटन्ड अबॉर्शन में, एक तो स्लाइट वेजिनल ब्लीडिंग, सेकेंडली क्लोज एक्सटर्नल ऑर्स रहेगा। बट जो यूट्रस साइज रहेगा ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना जो सिम्फाइसिस प्यूबिस ये है, ओह माय पुअर ड्रॉइंग ऑफ पेल्विस, ओके, ये जो सिम्फाइसिस
ये पेल्विस है, हाँ समवॉट आ गया. सो सिम्फाइसिस प्यूबिस की जो यहाँ पर है राइट, उसके ऊपर में आएगा तो 3 महीना हो गया, फिर अम्बिलिकस तक पहुंच गया वो 24 हफ्ते में आ गया. तो इस प्रकार की उसको, क्योंकि 28 हफ्ते तक अबॉर्शन किया था ना, तो अम्बिलिकस तक 24 है और बीच में आएगा 16 और उसके ऊपर आएगा 20. इस प्रकार की जो साइज जो बढ़ता है ना, वो मेंसिस का जो मासिक धर्म है ना, तो मतलब उसी का और जो इसका जो फंडल हाइट है उसके बराबर इक्वल होंगे. तो अभी भी बच्चा टिकटॉक हो सकता है. जो सर्विक्स और यूट्रेस पूरा जो पीवी करते समय में सॉफ्ट दिखाई देगा, और पेल्विक एग्जामिनेशन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब यूएसजी अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनोग्राफी का पॉसिबिलिटी है. बिल्कुल इसको मतलब पीवी नहीं करना है. इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करना पड़ेगा? देखो एक्चुअली ना, कोई भी पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी आती है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हीमोग्लोबिन चेक करना पड़ता है, बिकॉज वो अनिमिया है क्या है वो देखेगा. हेमाटोक्रेट, हेमाटोक्रेट होता क्या है, जैसे जो एट्यूब है, एट्यूब में हम लोग खून उसमें ले लिया, तो जो नीचे का पार्ट में क्या होगा, लाल लाल दिखाई देगा, इसका बोलता है आरबीसी. आरबीसी का जो वॉल्यूम है, बाकी जो ये प्लाज्मा कहते हैं ना, ये प्लाज्मा की वॉल्यूम मतलब ये टोटल वॉल्यूम में आरबीसी की कितनी वॉल्यूम होती है उसी को बोलते हैं हेमाटोक्रेट. अरे ये मान के चलो 12 से यहाँ पर 16 ग्राम्स तक उसमें होंगे, ठीक है, ये 36 to 48% आसपास में फीमेल्स के होंगे. ओके, तो ये रेंज होता है. तो ये भी चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो गया तो उसको रेडीमेड उसको ब्लड देने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो इसीलिए उसको चेक करने के रेडी करके रखता है. और एबीओ क्या होता है, ब्लड ग्रुप का, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन को जरूरत है तो उसी समय में उसको हड़बड़ी में नहीं जाएंगे ना, तो इसलिए एबीओ का रेडी करके रखना. आरएच ग्रुपिंग, ओके, आरएच ग्रुपिंग इज मोर मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पर, बिकॉज इसमें हम लोग को ध्यान देने का चिचिया होता है. आर एच नेगेटिव मदर है तो एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देता है, कितना देता है, 50 माइक्रोग्राम 2000 सॉरी 100 माइक्रो एमसीजी, ठीक है. तो इतना देना पड़ता है जब उसको पहली बार अबॉर्शन हो रहे हैं तो, राइट. तो इसीलिए आर एच नेगेटिव मदर के लिए ये पता होना चाहिए. तो यही ब्लड, ये आर एच ग्रुपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन अबॉर्शन. बाकी चीज तो रूटीन टेस्ट है, तो इसमें कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं है यहाँ पर. यूरिन फॉर प्रेगनेंसी, ओके, जो यूरिन प्रेगनेंसी किसके लिए करते हैं, एचसीजी हार्मोन है, जो प्रेगनेंसी की जो हार्मोन है यूरिन में जब निकलती है तो वो चेक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो ये जो बच्चा मर जाता है ना, मर जाने के बाद भी वो पॉजिटिव दिखाई देता है. ओके, कहीं मायने मतलब कि बहुत देर भी हो गया है तभी भी ये पॉजिटिव दिखाई, तुरंत वो बदलेगा नहीं है, तो इसलिए उसको कोई फायदा नहीं बोल रहा है. जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, ओके, ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी कहते हैं, ट्रांसवेजनल मतलब वेजेना का थ्रू वहां पर एक ये डालेगा तो उसके बाद उसमें चेक किया जाएगा. यहाँ पर क्या है, वेल जेस्टेशनल रिंग, रिंग क्या होता है, देखो ये वाला जो रिंग बोलते हैं इसको जेस्टेशनल रिंग कहते हैं इसको. जेस्टेशन मतलब क्या, प्रेगनेंसी है ना, तो रिंग मतलब ये जो फुल कंप्लीट फॉर्मेशन होता है इसी को कहते हैं. सो ये क्या करेगा, तो बच्चे का हेल्दी फिटस को दिखाई देगा. देखो दिल धड़, हार्ट बीट है, ऐसे पंप कर रहा है ना, इसका मतलब बच्चा हार्ट बीट अच्छा है. तो इन दिस केस ये सब सही सलामत में है, तो 98% प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. ओके, अब ब्लाइटेड ओवम कहते हैं, अब ब्लाइटेड ओवम का मीनिंग क्या होता है, एन एम्ब्रियोनिक मतलब एबसेंट है, कौन कौन सा वाला एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो तो जो 2 सप्ताह मतलब तीसरा सप्ताह से लेकर 8वां सप्ताह तक जो फीटस मतलब रहता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं. सो एम्ब्रियो है ही नहीं, बच्चा है ही नहीं यहाँ पर, इस नो एम्ब्रियो है, तो ये वाला इसको बोलते हैं ब्लाइटेड ओवम. ब्लाइटेड ओवम में सबसे पहले क्या होगा, राइट, पहले यहाँ पर हम लोग ने बोला जेस्टेशनल सैक, देखा इसमें पूरी खाली पड़ी है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा खाली है, पर समझ नहीं आ रहा, दिस इज मोस्टली यूट्रस ही हो, राइट. और यहाँ पर बच्चों को दिल धड़कन देखेंगे, नो मूवमेंट्स, नो फीटल मूवमेंट्स, ओके, नो एको, स्मार्ट हार्ट बीट भी नहीं सुनाई देता ना, बच्चों भी घूमते हैं उसमें, ये दोनों नहीं होते हैं ब्लाइटेड ओवम में, तो ओवम ओवम ही रह गया. ओके, एक्चुअली क्या है, ये 25 नैनोग्राम पर एमएल प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है जब बच्चे को कंटिन्यू करना है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, वेट, सी दिस इज यूट्रेस, यूट्रेस पे, वेट, यूट्रेस है,
यहाँ पर की बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात है, जो ग्राफ यहाँ ओवुलेशन बाहर निकल के आ गया. ओवुलेशन होने के बाद वो क्या करता है, ये ओवम को यहाँ पर उसको लेके जाता है, राइट. यहाँ पर एम्पुला में जाके वो फर्टिलाइजेशन करता है. तो बाकी जो ये ओवुलेशन होने के बाद क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा. ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम इसको प्रोजेस्ट्रॉन देगा. प्रोजेस्ट्रॉन कब तक देगा, 6 सप्ताह तक देगा. बिकॉज 6 सप्ताह मीन्स लाइक मान के चलो उसके बाद 6 सप्ताह से वो प्लासेंटा अपना काम शुरू करने लगेगा. तो ठीक है, तो ये प्रोजेस्ट्रॉन ये क्यों देता है, नॉर्मल एमसी में क्या होता है, फर्टिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग बात है, बट बात है नॉर्मल एमसी में क्या करता है, ये 14 दिन में ओवुलेशन हो गया तो यहाँ पर पूरी पूरी प्रोजेस्ट्रॉन की यहाँ इसको थिकनेस बढ़ाता है, तभी तो ये वाला गिरेगा ना. मेंसेस के समय में ये एंडोमेट्रियम तो गिरती है, तो ये कॉर्पस लुटियम का काम है प्रोजेस्ट्रॉन निकलना है नॉर्मल प्रेगनेंसी में. ये 5वां दिन, देखो यहाँ पर 14 दिन हो गया, ये वो 5वां दिन में, यहाँ 6वां दिन में आके यहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है. तो क्या होगा, ये प्लस 6 मान के चलो 20 दिन, 19-20 दिन में क्या होगा, ये यहाँ यहाँ इतनी मोटा करवा देगा एंडोमेट्रियम को, तब आके यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगी. दिस इज द दिस फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा है. बट यही का बात है, यहाँ जो प्रोजेस्ट्रॉन की जो लेवल होना चाहिए, मतलब ब्लड में होना चाहिए, वो 25 नैनोग्राम मिनिमम होना चाहिए. तभी क्या करेगा, ये वाला जो मतलब जो एमनियोटिक सैक और जेस्टेशन सैक बोलते हैं ना, ये सब कुछ सही सलामत में रिलैक्सली आराम से रहेगा. इन केस कम होगा तो वहां पर अबॉर्शन होने का चांसेस होता है, राइट. और HCG लेवल, जो ह्यूमन कोरियोनिक ट्रोपन जो लेवल है, ओके, ये प्रोजेस्टेरोन या कॉर्पस ल्यूटियम की हेल्प करते हैं. बट HCG क्या करता है, ये जो प्लासेंटा से यहाँ पर जो सेल्स बनी है ना, उस सेंसिटिव ट्रोपोप्लास्ट कहता है, ये इसको ऑर्डर मारता है कॉर्पस ल्यूटियम को, चलो जल्दी से मेरे को प्रोजेस्टेरोन दिला दो. तो उस प्रकार के वो दिलाने के लिए कोशिश करते हैं. बट HCG का चेक करेंगे तो उसमें कोई इतना कन्फर्मेटरी नहीं है बच्चा ठीक है या नहीं है, बट फिर भी इट इज ओके. HCG है तो इसका मतलब बेबी ठीक है ना, ये वो देखना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले रूल आउट करना पड़ेगा, ठीक है. ब्लीडिंग किस काम के लिए है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो भी चेक करना इंपॉर्टेंट है. पता नहीं कहीं ट्यूब में हो गया तो फट गया तो और भी प्रॉब्लम होने का चांसेस होते हैं, दैट इज वाई. ट्रीटमेंट क्या देंगे, सो रेड बेड रेस्ट. बेड रेस्ट कितना दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, जब तक उसको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. और ज्यादा दिन, अरे 2 महीने तक उसका रेस्ट लेना पड़ेगा, ये नहीं बना, वो कुछ नहीं होता है, कोई इतना स्टडीज रिसर्च बताता है ना, तो वो कोई फायदा नहीं है. बट बात ये, जब तक ब्लीडिंग होता है, देखो इवन ऑपरेशन करने के बाद भी ब्लीडिंग कितना दिन होता है, 15 दिन मैक्सिमम, 10 दिन, ठीक है. कभी वहां गड़बड़ है तब वो ज्यादा होता है, तो ये ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगा. इस 15 डेज बहुत काफी है ना, तो उसके ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है. बट ड्रग्स का जो है, डाइसीपैम दे सकता है, डाइसीपैम 5 mg का जो टैबलेट है उसको 2 बार दे सकता है, मतलब सुबह और शाम. ये नींद भी आती है, सेडेटिव काम भी करता है, प्लस पेन भी रिलीव करती है. और रिसर्च ये बताता है जो प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन है ना, ये अच्छा काम करता है. बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन तो पेशेंट को वो 25 नैनोग्राम तक मिनिमम होना चाहिए, तब बच्चा जिंदा रह सकता है. बट वो नहीं है तो ये वाला लगा देने से, मैं खुद देखा उसको प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन लगाती थी 7वां महीना तक उसको, आई थिंक 7वां महीने में ही मतलब स्टार्ट हो गया था, मतलब पहला सप्ताह स्टार्ट होने के बाद उसको डिलीवरी हो गई. वो भी सीजरियन से हुआ, बट शी वॉज फाइन. बिकॉज ये प्रोजेस्टेरॉन का काम रिसर्च भी बताती है, ये काम सही काम करता है. बिकॉज देखो एक्चुअली क्या है, ये टी लिम्फोसाइट्स 1 टाइप, टी लिम्फोसाइट्स 2. लिम्फोसाइट्स क्या होता है, लिम्फोसाइट जैसे हमारा बॉडी में सोल्जर्स का जैसे काम करेगा, राइट, ये एंटीबॉडी के बेसिस में काम करेगा. तो इसमें जैसे सॉरी, आपको ये वाला जो बड़ा टर्म नहीं होना चाहिए इसलिए इसको समझा रही हूँ. देखो बोन मैरो होता है, हड्डी होती है, ये बोन मैरो. ये बोन मैरो में क्या होगा, यहाँ से दोनों टी लिम्फोसाइट्स भी सेक्रेट होती है और बी लिम्फोसाइट्स भी सेक्रेट होती है, राइट. लिम्फोसाइट्स क्या होता है, WBC है, जिसमें हमारे बॉडी में कोई भी कीटाणु, कोई दुश्मन आया तो उसको लड़ने के लिए हेल्प करेगा. टी लिम्फोसाइट्स इसलिए नाम किया है क्योंकि वो सीधा जाके थाइमस ग्लैंड में जाके वहां पर वो अपना काम के लिए मदद करता है. तो यहाँ की बात है, इसमें 2 प्रकार के टाइप्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स टाइप 1 होती है और ये टाइप 2 होती है. ये दोनों में फर्क ये है, टाइप 1 क्या करेगा, इसमें ज्यादा तरह से सूजन, इन्फ्लेमेशन, सूजन का मतलब वही इन्फ्लेमेशन, आपकी स्वेलिंग, इस प्रकार की करके लड़ाई झगड़ा करके उसको
खराब करने के चांसेस होते हैं, बट जो टाइप टू होती है ना, तो दिस इज एक्चुअली गुड। सो नॉर्मली ये टाइप टू ज्यादा होना चाहिए, सब अबॉर्शन नहीं होगा, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अबॉर्शन नहीं होगा नहीं बोल सकते, बट ये टाइप टू इज बेटर बिकॉज इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी का, मतलब सूजन वगैरह जो कम, मतलब वो करवाता नहीं है, बट जो टाइप वन है वो करवाता है। सो ये काम कौन करता है, टाइप टू वाला ज्यादा सारे से ये प्रोजेस्टेरॉन का काम करता है, इसलिए इंजेक्शन फायदेमंद बोल रहे हैं। ओके, जो लास्टली एचसीजी, कोई फायदा नहीं है, एचसीजी इंजेक्शन भी आती है बट उतना नहीं है, ऐसे करके बता रहा है। एडवाइस क्या देंगे डिस्चार्ज पे पेशेंट को, सबसे पहले 2 सप्ताह तक उसको रेस्ट ले, कोई काम बाहरी काम, ओके, मतलब स्पेशली एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज से रेस्ट लेना चाहिए। हैवी वर्क अवॉइड करना है, जैसे बारी बारी लगेगा ना तो पेट के ऊपर और भी प्रेशर होगा तो ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा, राइट। बारी बारी काम ना करे, पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते वेट उठाना नहीं, पानी नहीं उठाना, तो वो ये भी है, आपको तो पता होना चाहिए जो बारी काम है वही अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली सेक्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पीवी करने का जैसे ही है ना, तो वो मुंह खुल जाएगी तो सर्विक्स में फिर बच्चा अबॉर्शन होने का चांसेस होती है। सोनोग्राफी हर 3 सप्ताह नहीं तो 4 सप्ताह में उसको रिपीट करते रहना पड़ेगा, राइट, कभी मिस्ड अबॉर्शन तो ना हो, नहीं तो अंदर ही अंदर रुक के वहीं बच्चा खत्म ना हो, ठीक है, तो इसलिए 3 से 4 सप्ताह में उसको अल्ट्रासाउंड करके चेक करना पड़ेगा। प्रोग्नोसिस कैसे है इसका, अनफेवरेबल कब होती है, मतलब बच्चा कैसे मतलब अबॉर्शन की चांसेस है, सबसे पहले बीटा एचसीजी जो हार्मोन है खत्म होने के बाद तो वो भी कम हो जाएगा, राइट। बच्चे को जो साइज है फंडल हाइट बोलता ना, वो फंडल हाइट कम होगा, शेप भी अल्ट्रासाउंड में देखेंगे जेस्टेशनल शेप भी थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, मतलब नॉर्मल शेप में नहीं रहेगा, इररेगुलर रहेगा, इसको शेप पर्टिकुलरली नहीं है बट बात है उसको कंप्लीट रहेगा, बट ये टेढ़ा मोड़ा रह सकता है। FHR तो बिल्कुल कम है, कम होती जा रही है, तो ये सब कुछ अनफेवरेबल है, इसका मतलब अबॉर्शन होने का चांसेस होती है, ओके, इनएविटेबल अबॉर्शन में पहुंच जाएगा। तो नर्सिंग केयर क्या करेंगे, नर्सिंग केयर के लिए बेड रेस्ट देना पड़ेगा, 5 से 7 दिन तक उसको देना है, राइट। 1 वीक काफी सफिशियंट है अच्छे से सोने के लिए, इसलिए डाइजीपैम टैबलेट देना देना अच्छी है। और स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए बोलना, क्या किसके पीछे में वो पड़ा है, तो उसका स्ट्रेस को काउंसलिंग देना पड़ेगा, और कोई प्रॉब्लम तो उसी के कारण से नहीं होना चाहिए। ये ब्लड लॉस वगैरह देखना पड़ेगा, कितना ब्लड लॉस हुआ, ज्यादा हुआ होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तैयारी करना पड़ेगा। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड यूरिया, एक्चुअली ब्लड यूरिया किस में चेक करते हैं, वो सेप्टिक अबॉर्शन में चेक करता है, बिकॉज सेप्टिक अबॉर्शन में क्या होगा, किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सो किडनी में जब भी प्रॉब्लम होती है यूरिया चेक करता है, तो उसी में ज्यादातर से इंपॉर्टेंस है, बट फिर भी इसमें भी यूरिया, ब्लड यूरिया चेक करना के लिए एडवाइस करना पड़ेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी हर 3 से 4 सप्ताह में बोला ना रिपीट करना है, तो वो करने के लिए मदद करना है। और ब्लीडिंग और पेन इंक्रीज होती है तो इमीडिएटली पेशेंट को ये बोलना है आके बताने के लिए, ओके, मीन्स वो नहीं आएगी तभी भी रिलेटिव को बोलना है उसको आगे बताने के लिए, ओके। रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्चार्ज के समय में पेशेंट को बोलना है 2 सप्ताह तक उसको ज़्यादा काम ना करे, और हैवी और स्ट्रेनस, स्ट्रेनस का मतलब वही मीनिंग हैवी वर्क है, तो वो दोनों अवॉइड करे, और रिपोर्ट करे हर 1 महीने के बाद। और प्रोग्नोसिस इज अनप्रिडिक्टेबल, मीन्स बच्चा रहेगा नहीं रहेगा, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, किसी को गारंटी नहीं है यहाँ पर, ओके। 2/3 केसेस में रिसर्च बताया गया है 28 सप्ताह तक उसको पूरा पूरा बच्चे को सही सलामत में लेके गया, तो उसके बाद नहीं, आई मीन कुछ मतलब बाकी केसेस 1/3 केसेस में वो पूरा इनएविटेबल अबॉर्शन में निकल गया, बट आई हैव सीन 7वां महीने में बच्चे जो पैदा हुआ है वो भी गांव देहात में पैदा हुआ है, तो वो भी अच्छे से बड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड 7वां महीने से ठीक ठाक रहे, उन लोगों को ना वेंटिलेटर जरूरत है ना कुछ भी रहा था, ठीक है, एवरीथिंग वो दे वेर फाइन, इतना तो देखा, तो 28 सप्ताह तक उसको थोड़ा बहुत खींच लिया तो इट इज फाइन, ओके। इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन क्या है, इनएविटेबल अबॉर्शन का मतलब है यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट है, जैसे थ्रेटन अबॉर्शन में क्या था, स्लाइट ब्लीडिंग था, बट यहाँ पर क्या है, इसका हैवी ब्लीडिंग है, ओके, दिस इज हैवी ब्लीडिंग होता है, नंबर 1, नंबर 1 इज हैवी ब्लीडिंग है।
नंबर टू जो है वहां पर क्लोज्ड होज था, यहाँ पर क्या है ओपन सर्वाइकल होज। तो ये पिक्चर में देख लो, यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, नंबर वन हेवी ब्लीडिंग है, और नंबर टू ये क्या है जो पीवी करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है। सो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, इसकी जो मेम्ब्रेन है और बच्चा है और इसका पानी है राइट, और इसको जो प्लासेंटा है, ये सब कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कहता है। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ पीओसी कहते हैं इसको। तो ये सब कुछ यहाँ पर पीवी में पता चल जाएगी, इवन एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर निकलते हुए पता चल जाएगी वजनल एग्जामिनेशन पे। सो यहाँ पर बच्चे को कंटिन्यू करने कोई फायदा नहीं है, तो ओनली थिंग इज इसको अबॉर्शन करवाना है। सो इसमें दो प्रकार की अबॉर्शन आती है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब है ये जो कंसेप्टस है, जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, ये पूरा पूरा बाहर कंप्लीटली आ जाती है यूट्रस से। ये थोड़ा से कम चांसेस होता है, बट इनकम्प्लीट का मतलब है थोड़ा से ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन में कुछ भी तो कुछ यहाँ पर अंदर पड़ा है, रिटेन हो गया बोलता ना, तो कुछ वहीं अंदर प्रोडक्ट्स होती है वो एक्सपेल नहीं हुआ है। सो इनेविटेबल अबॉर्शन में इस प्रकार की दोनों आती है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। सो साइंस एंड सिम्टम्स में क्या क्या है, हिस्ट्री ऑफ अमेनोरिया रहेगा, कितना दिन का मासिकता वो रुका है, मतलब 2 महीना 3 महीना इस प्रकार के आएंगे। वेजनल ब्लीडिंग रहेगा बट हेवी विथ क्लॉट्स और कंसेप्टस, मतलब फ्लैशी मास भी वही टर्म है, कंसेप्टस का मतलब वही है, बच्चा पानी है सब कुछ है। और सीवियर कोलिक की लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब जो एब्डोमेन के नीचे में बहुत दर्द होता है सीवियरली, बिकॉज ब्लीडिंग हो रही है तो पेन भी होगी, शॉक में जाने के चांसेस होते हैं जब ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो। और इंटरनल एग्जामिनेशन पीवी करते समय में क्या मिलेगा, एज आई टोल्ड यू पहले ही बता दिया था, जो पीवी करते समय में ये मेम्ब्रेन्स पता चलेगी, एमनियोटिक फ्लूइड पता चलेगी, बच्चे का हेड पता चलेगी, कॉर्ड भी पता चल जाएगी, और प्लासेंटा का भी कोई कोई बिट्स भी पता चल जाएगी। इसी को बोलता है प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्टस, ये सब कुछ कब पता चल जाएगी, जब ये मेम्ब्रेन पूरा रप्चर हो गया, जो ये जो मेम्ब्रेन है ओके, सो वो रप्चर हो जाएगी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहता है उसको, तो वो रप्चर हो जाएगी तो पता चल जाएगा। तो मैनेजमेंट में क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, इन दैट केस उसको मेथोजन इंजेक्शन देता है, ये आईवी नहीं है ये आईएम इंजेक्शन है, कमर में लगा देता है राइट। ये क्या करेगा, यूट्रस की पूरी ऊपर और नीचे दोनों जगह में कंट्रैक्ट करेगा ओके, जैसे फंडस होती है, फंडस का जगह में भी यहाँ भी उसको कंट्रैक्ट करेगा और नीचे का भी कंट्रैक्ट करेगा, तो टोटली ये कंट्रैक्ट करेगा। और सर्विक्स जब डायलेटेड हो प्लस साइज ऑफ द यूट्रस लेस देन 12 वीक्स हो तब ये मेथोजन इंजेक्शन लगाता है। हेवी ब्लड लॉस हो तो आईवी फ्लूड्स लगाना है, वही नॉर्मल सलाइन एंड्रिंगल लैक्टेट इंपॉर्टेंट है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी उसको अरेंज करवाना है। एक्टिव ट्रीटमेंट के लिए बिफोर 12 वीक्स होती है और आफ्टर 12 वीक्स भी होती है, बट बिफोर 12 वीक्स में क्या करना पड़ेगा, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करना है ओके, बाय द क्यूरेट, ये क्यूरेट है ये राइट, ये क्यूरेट है। देखो ये वाला पिक्चर देख लेना, बाद में आप लोगों को इजी पड़ेगा, मैं बाद में इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाते समय में इट विल बी इजी फॉर यू राइट। सो ये क्यूरेट है, इसको ब्लंट क्यूरेट कहता है, ये शार्प नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये पिक्चर में देखो कैसे कर रहा है। सो यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, कहीं प्लासेंटा इस प्रकार की है, तो ये क्यूरेट से क्या करेगा, धीरे 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 उसको इसको नीचे बाहर ऐसे ऐसे करके इसको निकाल देगा ठीक है। सो ये अनाल्जेसिया का मतलब इंजेक्शन ओवरन दे देते दर्द के लिए, प्लस इनकेस वो नहीं हो पा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, जो जनरल एनेस्थेसिया में इसको करते, जनरल एनेस्थेसिया वगैरह नहीं चलता यहाँ पर, इतना छोटा प्रोसीजर है ये डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, बट बहुत ही खतरनाक होती है तब जनरल एनेस्थेसिया में देना पड़ेगा, मतलब पेशेंट बेहोश हो रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उस समय में देना पड़ेगा इस प्रकार की। ऑल्टरनेटिवली सक्शन इवैक्यूएशन है, सक्शन इवैक्यूएशन होता क्या है, क्यूरेट के करते करते समय में देखो ये सक्शन ट्यूब है, ये क्या कर रहा है, ये इसको ऊपर सक्स कर रहा है राइट, यहाँ पर अपैरेटस में ये पूरा प्रेशर को इंक्रीज करवा देगा और उसको पकड़ के उसको निकाल देगा। 12 वीक्स के बाद उसको यूट्रिन कंट्रैक्शंस लेके आने के लिए उसको पिटोसिन का ड्रिप उसको लगाना पड़ेगा ओके ओके ओ सॉरी दिस इज व्हाट द पिटोसिन इज ओके, पिटोसिन ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाना पड़ेगा, दिस इज एन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होती है, इसमें एक एक एम्पियर में 1 ml होता है इसमें, बट 5 इंटरनेशनल यूनिट का इसका डोज होती है एक एम्पियर का।
81, वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग बनती है। ये क्या करेगा, इसमें 10 यूनिट्स 500 ml में उसमें लगाना पड़ेगा नॉर्मल सलाइन पे, और 40 से 60 ड्रॉप्स पर मिनट उसको लगा देना चाहिए। ये ओवम फोर्सेप्स, ये देखो ओवम फोर्सेप्स, ये दोनों होता है ओवम फोर्सेप्स। ओके, इसका पिक्चर में समझा दे रही हूँ। ओवम फोर्सेप्स से देखो, ये इस प्रकार की मुंह है ना, इधर साइड में थोड़ा सी छेद रहेगी, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर आर्टरी क्लैंप का, जैसे यहाँ पर लॉक करने वाला ना, यहाँ नहीं लॉक होता, यहाँ पर लॉक होता है। सो इसमें क्या होगा, ये आराम से, इसमें लूज है, इसमें इसको कहीं आपको पकड़ के नहीं, मतलब पकड़ेगा नहीं, मतलब एंडोमेट्रियम को पकड़ के खींचने का चांसेस नहीं होता है। सी हियर ऑल्सो देर इज नो, ओके देर इज नो हैंडल, यहाँ पर टाइट नहीं होने का है। जैसे प्रोडक्ट पकड़ेगा, कोई अम्बिलिकल कॉर्ड मिली है, नहीं तो मेम्ब्रेन मिली, कुछ भी मिली, इसको आराम से पकड़ के उसको बाहर निकलेगा। सो दिस ओवम फोर्सेप्स से उसको पूरा प्लासेंटा को निकलेगा, सपोज अंदर है तो, राइट। सपोज प्लासेंटा स्टिल अंदर पड़ी है, बाहर निकल नहीं रहे हैं, सो ये हाथ देखो, ये वाला जो हाथ है ये अंतर डाला है, राइट, और सुलुकतेसन उंगलियां है ये, राइट। ओके, आई डिड नॉट हैव अ कलरफुल पिक्चर। सो ये हाथ यहाँ पर अंदर डाल के, ये देखो अब्डोमेन के ऊपर दूसरा वाला हाथ लगा के रखा है। सो ये पूरा पूरा धीरे धीरे एक एक साइड में आराम से खोल के, उसके बाद बच्चे को बाहर निकलेगा। एंड दिस विल बी डन मोस्टली जनरल एनेस्थेसिया में करता है, क्योंकि ये नहीं पता है ना, वो एंडोमेट्रियम में ही वो मतलब वो जो प्लासेंटा चिपकी है और अंदर गहरा हो गया, तो इसलिए एक कारण हो सकता है उसके लिए, तो प्लासेंटा इस प्रकार की भी मैनुअल रिमूवल कर सकता है। सो नर्सिंग केयर क्या है इसका, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल में भर्ती होना इंपॉर्टेंट है, बेड रेस्ट चाहिए उसको, और प्रॉम्प्ट टर्मिनेशन चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत उसको कुछ करके उसको टर्मिनेशन, मतलब एमटीपी करवाना, अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। सो नंबर वन है डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, वैसे वो देखा था प्रीवियस, इसमें उसको डायलेट करना है। आई शो यू दिस डायलेटस नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ओके, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करना है, और माँ को प्रिपेयर करना है दो चीज के लिए, एक तो फिजिकली, क्योंकि उसको दर्द भी होगा, डर भी होगा, साइकोलॉजिकली उसको मान के, जो 3 महीने 4 महीने प्रेग्नेंट है, एक सपना देख रही होंगी, एक बच्चा आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग जबरदस्ती अबॉर्शन करते हैं, वो अलग बात है, बट जिसको जो है साइकोलॉजिकली ये है, सो दैट हैज टू बी काउंसल्ड, वो समझ में वो स्थिति में क्या रहेगी। सो ओनली वी एज अ नर्स समझ सकता है, तो हम उसको समझाना पड़ेगा। इंट्रावेनस फ्लूड थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरत है, तब उसको रेडी करके रखना है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करना है, पहले से जैसे पेशेंट आए तुरंत उसको टीटी लगाना है। टीटी लगाने के बाद नंबर वन, नंबर टू एंटीबायोटिक्स भी देता है, वो यूजली वो सेप्टिक अबॉर्शन के लिए देता है। सो सेप्टिक अबॉर्शन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। सो उसमें देता है एम्पिसिलिन 500 mg देता है, उसमें प्लस मेट्रोनिडाजोल भी देता है, एंटीबायोटिक्स भी देता है, सॉरी जेंटामाइसिन भी देता है, तो ये सब कुछ वो प्रिवेंशन के लिए देता है। सो अबॉर्शन की जो टॉपिक्स, बाकी टॉपिक्स कंप्लीटली आपको देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर आपको मिल जाएगा। सो Thank you.